हाय गाइस, वेलकम टू द पाकिस्तानी फैमिली एंटरटेनमेंट। तो कैसे हैं आप? मेरा नाम है, मेरा नाम है वजह। तो माता जी यार किला छोड़ के जा रही हैं और भगवान शिव जी को गंगाधर भी बोल दिया और वहां से भाई साहब सारे वो जो तांत्रिक मांत्रिक हैं वो भी कामयाब होते जा रहे हैं भाई। गोरी अब आगे देखते हैं स्टार्ट। स्मरण रहे हम अपने स्वेच्छा से जा रहे हैं और अपने स्वेच्छा से ही हमें कोई नहीं रोकेगा। और ये भी हम स्वतः निर्णय लेंगे कि हम कहाँ रुकेंगे और हम कब रुकेंगे। मेरे ख्याल से जिस तरह वो जाति शादी कर रहे हैं तो कर माता जी को उतर नहीं पड़ेगा। मेरा उद्देश्य तुम्हारा स्थान लेना कदापि नहीं था, लेकिन वो देती थी ना ही तुमसे अपनी तुलना करना। महादेव तुम्हारे हैं, केवल तुम्हारे। ये कैलाश तुम्हारा है। यदि इस कैलाश से किसी को जाने की आवश्यकता है तो वो मुझे। क्या बन गया यार दोनों बहनी आपस में लड़ पड़ी? मैं अभी अभी इसी क्षण इस कैलाश से प्रस्थान करती हूँ। ये सारा होना दोनों की वजह से हो रहा है। तभी माता जी के गंगा माता जी के मुंह से ये दुनिया निकले। रुक जाओ पार्वती, मैं तुमसे विनती करती हूँ। अरे देवता आ गए, इन्होंने भी लगता है सिचुएशन देवी पार्वती ने पुनः क्रोधित होकर कैलाश से जाने का निर्णय ले लिया है। कामयाब हो रहे हैं तो क्या इसका तात्पर्य यह है कि उनकी अनियंत्रित शक्तियों से देवलोक पे पुनः संकट आएगा? नारायण नारायण, इस बार देवलोक वह अन्य किसी भी लोक पर आने वाले संकट की चिंता आप कदापि ना करें देवराज। वैसे इसको होती तो है टेंशन। नारद, हमें शीघ्र अति शीघ्र कैलाश के लिए प्रस्थान करना चाहिए। मैं जी ब्रह्मा देव लोग भी जा रहे हैं। क्योंकि चिंता बहुत बड़ी है। पिछली बार हमें ये बोध नहीं था कि हम आपको क्षति पहुंचा रहे हैं। किंतु इस बार इसकी अभिज्ञता भी हमें रोक नहीं पाएगी। क्या ढूंढ रही है माता जी? इस दफा माता श्री को जाने के भगवान की, इसीलिए उचित यही होगा कि आप हमारा मार्ग अवरुद्ध ना करें। नहीं पार्वती, माता जी का गुस्सा क्षति के भय से मैं तुम्हें जाने दूं, ये संभव नहीं। माता जी, इसीलिए मैं जा रही हूँ। यार भगवान शिव जी क्यों नहीं कुछ बोल रहे? भगवान शिव जी क्यों बोलिए? तुझे पता है भगवान जी, मैं कहता हूँ इस टाइम पे अगर माता जी को कोई जरा सा कुछ और बोल दे या कुछ छेड़छाड़ी कर देना तो गई माता जी आपे से बाहर हो जाएंगी। जो उनको गुस्सा, ये देख भगवान शिव जी रोक रहे हैं लेकिन माता जी जो नहीं रोक। तुझे पता है जब माता पार्वती जी अपने पे आती है तो फिर किसी भी नहीं सुनती। तुम्हारी मनस्थिति कैलाश से प्रस्थान के अनुकूल अब हमें कोई भी नहीं रोक सकता।
थी। अगर वो जादूगर है वो मस्त नहीं होगी भाई। गई माता जी, इस दफा क्या होगा? इस दफा फिर भगवान शिव जी को करने पड़ेंगे। जारी बात है, माता जी को वापसी लाने के लिए क्या कुछ। और इस दफा तो माता जी कह रही जो हुआ था हुआ रुक था। रुक जाइए माता, रुक जाइए, हम पर दया कीजिए, हमारा परित्याग मत कीजिए। बच्चे हैं ना, कैलाश का परित्याग मत कीजिए। रुक जाइए कृपया, रुक जाइए माता, रुक जाइए, मत जाइए माँ, हमें छोड़कर मत जाइए। माता जी का गुस्सा ठंड नहीं है। इतना कठोर दंड मत दीजिए माता, हमें छोड़कर मत जाइए माता जी, प्लीज सत्याग कीजिए। तो उसे का परिणाम हो जाएगा। माता जी की भी बात है, बस वही बात है ना, उधर से जादू कर रहे हैं और माता जी को समझ नहीं आ रहे हैं। गंगा मौसी क्या हुआ, कैलाश में सब ठीक तो है ना? नहीं कार्तिकेय जी, कुछ ठीक नहीं है। कहीं माँ को तो कुछ सब खराब हुआ है। अगर सब जो कैलाश से बाहर निकल रहे ना तो अधूरी कामयाब हो जाएंगे। हम अपनी स्वेच्छा से जा रहे हैं और अपनी स्वेच्छा से ही लौटेंगे। हमें कोई नहीं रोकेगा और ये भी हम स्वतः निर्णय लेंगे कि हम कहाँ रुकेंगे और हम कब रुकेंगे। हम कहाँ रुकेंगे और कब रुकेंगे? सिचुएशन हर केस हो रही है। क्या हो गया प्रभु? माता में तो निरंतर सुधार आ रहा था ना, लेकिन बस हमने तो सुपलक्ष में एक समारोह का आयोजन भी किया। क्या फायदा? किंतु सहसा माता क्रोधित होकर पुनः कैलाश से चली गई। प्रभु आपने उन्हें रोका क्यों नहीं? कैसे रोकते वो पार्वती पुनः उसी अवस्था में लौट गई और ये पार्वती को पिछली बार अपनी शक्तियों से रोकने का परिणाम। क्या भगवान शिव जी ने चीजों को मार दिया? यदि इस बार मैंने पार्वती को पुनः अपनी शक्तियों से रोकने का प्रयास किया तो उसका परिणाम पिछली बार से भी अधिक विनाशकारी सिद्ध होगा। यानी कि इस दफा नहीं रोक सकते, रोक सकते हैं लेकिन रोक नहीं रहे, उससे ज्यादा विनाशकारी होगा। अभी का विनाशकारी होने वाला हम सभी को प्रतीक्षा करनी होगी। अब इंतजार करना होगा। पार्वती अपनी इच्छा से शांत होकर पुनः कैलाश लौटा है। उन गौरियों ने सीख लिया ना, इसके अतिरिक्त हमारे समक्ष कोई विकल्प नहीं। अर्थात हमें प्रतीक्षा करनी होगी। तभी तो भगवान शिव जी गोल रूप लेना नहीं चाह रहे। प्रतीक्षा करते करते कहीं सृष्टि का विनाश हो गया तो? तो अब कुछ नहीं हो सकता। कुछ नहीं है भाई, बड़ी टेंशन है। तभी तो हम कब तक प्रतीक्षा करेंगे? इस तरह नहीं बनी। तो आप कुछ कहिए ना, आप तो त्रिकालदर्शी हैं, आपको तो सब ज्ञात होगा। वो बता नहीं तो सब पता है कि क्या होने वाला है। यदि माता नहीं लौटी तब तो सब नष्ट हो जाएगा। ये तो है, ऐसे में देवलोक का संचालन कैसे होगा? मुझे माता पार्वती को रोकने का प्रयास करना ही होगा। मंत्र देव जी आप मत रोकना, आप रोक के उल्टा और बुरा होता है क्योंकि आपके तो वैसे ही सार है। आग बढ़ चुकी है।
माता जी को शाम ही होने दे रही है। हमें इसी की तो प्रतीक्षा थी। इसी चीज की प्रतीक्षा थी ना, माता पार्वती जी को कैलाश से निकाल दिया ना। यार खुर्रम क्या हो गया यार, ये क्या हो गया? ये वो हो गया जो होना नहीं चाहिए था। भगवान शिव जी जो करना नहीं चाह रहे थे उनका परिणाम बुरा होना था। अगर अब रोका तो परिणाम उससे भी विनाशकारी होगा। भगवान शिव जी ने बोला था ना उस टाइम, और इसका ये विनाशकारी था। अभी माता जी जब रूप में लेंगी तो इनको फिर रोका तो फिर काम खराब है भाई। यानी अब माता जी को रोकना नहीं है, मतलब माता जी अपनी मर्जी से तो जो करती है तबाही करती है, जो करती है खुद अगर शांत होंगी तो तब सही है, वैसे नहीं। क्योंकि इसी से तो अगौरियों ने फायदा उठाया है, भगवान शिव के अगौर रूप से उन्होंने सीख लिया कि माता जी को कैसे वश में करते हैं, निरातन करते हैं, तो बस वो सीख लिए। अब देखो ना वो फायदा उठा रहे हैं, अगर अब रोका तो अब ज्यादा विनाशकारी होगा। यार देख गंगा माता जी को भी वो बातें नहीं बोलनी चाहिए, लेकिन वो चलो उन्होंने बोल दी, लेकिन अब वो वहां से चली गई, लेकिन माता जी भी चली गई, क्या फायदा हुआ? और कार्तिकेय जी को भी फौरन पहुंचना चाहिए वहां पर। तो पहुंचेंगे ना, अब तो उनको बता दिया यार गणेश जी को। हाँ वो उनको भी पहुंचना चाहिए, वो रोक सकते हैं अभी माता जी, क्योंकि उनके लाडले हैं दोनों। लेकिन एक बात बताऊं वजह, चलो उन्होंने सीख लिया, भगवान शिव जी को मजबूर किया गौर रूप में, लेकिन इसमें देख कितनी ताकत है कि माता पार्वती जी को उन्होंने खींच लिया अपनी तरफ से। यार ये सारी सिचुएशन उसी वजह से बनी ना, उनके ये जो कर रहे हैं वही ना यार। लेकिन माता जी कहती है मैं अपनी मर्जी से वापस आऊंगी। हाँ, और जहाँ रुकूंगी और कब तक रुकूंगी ये सिर्फ मेरी मर्जी होगी लाला। यार लेकिन अब आगे देखते, अब आगे होता है क्या। तो